दिल्ली एनसीआर समेत सोनीपत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोग जो है आग सर्दी से बचने को लेकर अलाव का सहारा ले रहे हैं। बात करें तो 8 से 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है और जिस प्रकार से लगातार 4 दिन से इस प्रकार की ठंड के साथ साथ घनी धुंध और कोहरा भी देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि वाहन जो है रेंग रेंग कर चलते हुए नजर आ रहे हैं। दो पहिया वाहन से लेकर चार पहिया वाहन जो हैं धुंध में उनकी गति पर रफ्तार पड़ा है, ब्रेक लगा है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं आग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और आग के सहारे बैठकर सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कुछ लोग भी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ताऊ हैं, ताऊ जी किस प्रकार से ठंड पड़ रही है? भाई बहुत ज़्यादा पड़ी है। कई दिन से ठंड हो रही है? 4-5 दिन हो गया इसने ठंड पड़ी। धुंध कैसी है? खूब ज़्यादा पड़ती है। तो अब आग सर्दी से बचने के लिए कैसे? आग के सहारा लेते हैं। और भी कुछ लोग हैं भाई साहब, किस प्रकार की ठंड पड़ रही है? ठंड तो बहुत ज़्यादा है भाऊ जी, अपना सुबह जलाते हैं शाम तक इसी के सहारे बैठे रहते हैं। धुंध अगर बात करें तो जैसे काफ़ी वाहनों की गति भी काफ़ी स्लो हो। हाँ, वाहनों की गति बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है और एक्सीडेंट वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। रोड के हालात क्या हैं? रोड के हालात तो ये फटे पड़े हैं भाऊ जी, और ऊपर से धुंध, परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जिस प्रकार से लगातार घनी धुंध पड़ रही है, ऐसे में सड़कों के हालात भी काफ़ी बदतर हैं। लोग जहाँ ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं घनी धुंध के चलते सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा और कहीं ना कहीं जो बदहाल सड़कें हैं और एक तरफ धुंध है, तो ऐसे में दुर्घटना की भी संभावना रहती है। सोनीपत के पुरखास रोड के हालात काफ़ी बदतर हैं और ऐसे में प्रशासन ने जहाँ पहले गौर करनी चाहिए थी, कहीं कहीं प्रशासन की भी लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मार।